हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और खबर तो आपको मिली गई होगी कि माली में हो गया है तख्ता पलट। जी हां, माली में हो गया है तख्ता पलट। वहां के खुद के मेजर जनरल आसामी गोइता ने खुद को सेल्फ डिक्लेयर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। जी हाँ, वहां पे अब आर्मी रूल एप्लीकेबल हो गया है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है कि बाजवा कभी भी वहां पे तख्ता पलट कर सकते हैं? तो आइए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे माली साउथ अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है और अभी भी वहां पर सोने की 3 बड़ी खदानें मौजूद हैं और 13वीं शताब्दी तक दुनिया के सबसे अमीर देशों में माली की गिनती करी जाती थी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानसा मूसा भी इसी देश से ताल्लुक रखता है। एक अनुमान के मुताबिक उसके पास करीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए की उस जमाने की संपत्ति थी। बहुत ज्यादा संपत्ति थी। तो शुरू करते हैं। यह घटनाक्रम 2018 में शुरू हुआ जब वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री इब्राहिम बाबूबकर कीटा ने चुनाव फिर से जीत लिया। वो अभी 7 साल तक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चुनाव 2018 में हुए और वो जीत लिए। तब से ही उनके ऊपर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लग रहा था कि उन्होंने जो चुनाव जीते हैं वो धांधली से जीते हैं और वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। उसके लिए जनता प्रोटेस्ट कर रही थी। उसके इसी का बात का फायदा उठाकर वहां के मेजर जनरल आसामी गोइतो ने अपनी सेना और लाव लक्षर के साथ राजधानी बेमको में आक्रमण कर दिया। इसी का फायदा उठाकर वहां के तत्कालीन मेजर जनरल आसामी गोइतो ने वहां की राजधानी बेमको में आक्रमण कर दिया और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नजरबंद कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। 19 अगस्त 2020 को वहां के राष्ट्रपति ने अपनी रेजिग्नेशन फाइल कर दी। इसका मतलब कि अब वहां पर मिलिट्री शासन है और आसामी गोइतो ने खुद को सेल्फ डिक्लेयर प्रेसिडेंट घोषित वहां पे कर चुके हैं। उन्होंने विपक्ष के साथ एक मीटिंग भी करी है जिसमें वो आगामी चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इसमें दो बातें हैरान करने वाली है कि यूनाइटेड नेशन ने इस तख्ता पलट के ऊपर कोई भी संदेश नहीं दिया है, क्योंकि अमेरिका के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माली में वैसे भी गोल्ड माइंस है, तो सब पूरे देश की निगाहें उसके ऊपर है कि उसका गोल्ड कॉइन पर कब्जा किसका रहता है। और किसी भी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, किसी ने भी इस बारे में कोई भी सामने चुप्पी साध रही है, कहीं पे कोई बात नहीं हो रही इसकी कि हो चुका है तख्ता पलट। जी हाँ मेरे दोस्तों, आसामी गोइता जो वहां के मेजर जनरल हैं, वो वहां पर अभी एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं और वहां के विपक्ष नेता भी इससे खुश हैं। इसमें दो बातें और आश्चर्यजनक रही। पहली तो कि यूनाइटेड नेशंस ने कोई अपना स्टैंड नहीं लिया और दूसरी वहां की जनता काफी इससे खुश नजर आई। जैसे ही वहां की राजधानी में पूरे के पूरे सारे सैनिक घुसे तो जनता ने उनका बहुत ही खुशी के साथ स्वागत करा और फ्रीडम फाइटर जैसे उनको सम्मान किया। तो कहा जा सकता है कि इब्राहिम कीटा ने कुछ ना कुछ तो चुनाव में धांधली जरूर करी होगी। तो इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा होने वाला है? क्या वहां पे जो इमरान खान के सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा हुआ है, उसका फायदा उठाते हुए बाजवा किसी भी समय वहां पे मिलिट्री शासन रूल एप्लीकेबल कर सकते हैं? तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आपको कैसा लगा है मेरा वीडियो जरूर बताइएगा और आप क्या रखते हैं इस वीडियो पे अपनी राय। थैंक यू।